होगा तो उसको 25 रुपया हफ्ते कर दिए। हाँ अभी हम लोग 2024 जनवरी से 500 मंथली कर दिए। अरे वाह, बहुत शुभ बधाई, बहुत बहुत बधाई। नमस्ते। अगली लाभार्थी है 5 साल से गोपाल समूह की सचिव श्वेता गोस्वामी जी। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते श्वेता जी, आप बताइए आप आपके समूह का नाम क्या है? गोपाल प्रेरणा स्वयं सहायता समूह। गोपाल प्रेरणा स्वयं सहायता समूह, जी सर। कितने लोग हैं इसमें? 18 लोग हैं सर। क्या काम कर रहे हैं सर? कुछ लोग सब्जी का दुकान खोली है, कुछ पशुपालन कर रही है, एक चने का मतलब बेसन बनाती है उसका खोली है मशीन ला करके। अच्छा जी सर। तो ये सब बिक जाता है? हाँ बाजार में। जिन लोगों ने गाय भैंस लिया था तो गाय भैंस दूध भी देती है जी। और दूध कहाँ देते हैं लोग? मार्केट में बिक जाता है। कितने रुपए लीटर दूध बिकता है? 50 रुपए लीटर गाय का। 50 रुपया लीटर जी। हाँ और 60 रुपए लीटर भैंस का। अरे वाह जी, तब तो बहुत अच्छा चलता होगा फिर जी। ठीक है, कितना पैसा कमा लेते होंगे प्रत्येक समूह से जुड़ी हुई महीने में? 10 से 15 हजार रुपए तक तो। 10 से 15 हजार रुपया, बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर रेदा जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग बांसपार में जी सर। बहुत अच्छा है, और भी लोगों को प्रेरित करिए जी सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोग। नंदा नगर से जहाँ विकास समूह से कुमारी शमील एजाज जी। सर नमस्कार। हाँ, नमस्ते। मैं जहाँ विकास सेवा संस्थान से हाँ। कुमारी शमील बोल रही हूँ सर। मैं 98 से समूह पे कार्य कर रही हूँ। क्या काम करवा है आपका? सर मैं समूह का निर्माण करती हूँ, पहले ब्लॉकों पे भी करती थी और शहरी क्षेत्र में डूडा के माध्यम से करती हूँ एनएलएम में। सर पहले समूह पे जो हम लोग काम करते थे, समूह को बहुत चीजें नहीं बता पाते थे क्योंकि सरकार उसका साथ नहीं देती थी और उनको खुद भी जागरूक नहीं होती थी। पर जब से सरकार आपकी आई, मोदी सरकार आई सर, समूह इतना जागरूक हो गया है कि अपना उत्पादन कैसे करना है, सामान को कहाँ बेचना है और वो जगह जगह सामान का बिक्री भी वो स्वयं करती रहती है। सामान बहुत सारे सामान ऐसे भी हैं जो देश के बाहर भी जा रहे हैं समूह के, उससे उनकी अच्छी आय हो रही है। तो जो भी समूह कार्य कर रहा है बहुत अच्छे से कर रहा है, उनको रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है और कोई भी सरकारी विभाग से जो भी सहायता समूहों को दी जानी चाहिए। अब समूह खुद भी बहुत जागरूक है, वो पूछती है कि हमको क्या मिलेगा, तो आवास योजना हो चाहे ऋण का भी कोई भी माध्यम है, सबसे वो जाकर के स्वयं ही काम करवा लेती है। पहले कोई ना कोई बिचौलिया होता था काम के लिए। आप ये बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं? सर अभी कम से कम 10,000 महिलाएं हैं मेरे साथ। 10,000 महिलाएं जी सर। ये सभी लोग किसी न किसी कार्य से जुड़ी हुई है? जी सर, कार्य से जुड़ी हुई है, कार्य कर रही है। जो कुछ महिला ऐसी भी है जो आपसी लेन देन कर रही है, जो ब्याज पहले ब्याजों पे पैसा लेती थी वो समाप्त करके अपने से ही पैसा वो बैंक की तरह बांट रही है। बहुत सुंदर। इसमें सरकार से कोई आपकी अपेक्षा? सर बस यही है कि जो एनुअलम में जो पैसे हैं सर, रिवॉल्विंग फंड है, वो बहुत छोटी धनराशि है, 10,000 रुपए है। उसके बाद सीसीएल होता है सर जो बैंकर्स देते हैं, बस हाँ, वही है। ठीक है, मैं चाहूंगी कि थोड़ा उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद कार्यक्रम में अगली लाभार्थी कजाकपुर से सवेरा सेवा संस्थान से श्रीमती बीना सानी जी। नमस्ते सर, मेरा नाम बीना सानी है, सवेरा संस्थान एनजीओ से मैं अध्यक्ष हूँ। और सर अपने एनजीओ से सर शहरी आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह महिलाओं का गठन करती हूँ। क्या करते हैं आप लोग इसमें? सर इसमें महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाता है, उनको तमाम जो सुविधाएं हैं उसके बारे में बताया जाता है। और सर इसमें महिलाएं मिट्टी की ज्वेलरी और झूमर और मूछ का काम, सर अचार पापड़, तमाम तरह के काम भी करती हैं। कितने लोग हैं आपके समूह में? समूह में सर हमारी 5,000 महिलाएं हैं। और सर मार्केटिंग की थोड़ी सी शहरी क्षेत्र में सर दिक्कत होता है महिला। अलग अलग लोग अलग अलग काम शुरू करेंगे, आप में से किसी ने एफपीओ का गठन किया? शहर में नहीं है सर, ग्रामीण क्षेत्र में। जी सर, ग्रामीण क्षेत्र में तो कर ही सकते हैं जी। छोटे कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं जी सर, उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। ड्रोन दीदी का प्रशिक्षण भी किसी ने दिया? नहीं।
कौन ले, हाथ थोड़ा खड़ा करो ना, एक आपने लिया है, आपने भी लिया है, ऐसे ही और भी लोग लेंगे तो वह भी एक माध्यम बनेगा। यस सर। और जैसे बहुत सारी समूहों में महिलाओं ने गाय या भैंस पाला है, जी जी सर, दुग्ध समिति का गठन करके चीनिंग प्लांट लगाना और फिर उसको डेयरी तक पहुंचाने का कार्य करना, बहुत पैसा उसके माध्यम से कमा सकते हैं। आप ऐसे कोई बिजी सखी भी है सर? हमारे शहरी क्षेत्र में नहीं है। नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में तो होंगे सर। हम लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की सुविधा दिया तो शहरी क्षेत्र में भी सर। देखिए शहर में बैंक की शाखाएं नजदीक है, वहाँ पे बैंक भी अपना करते होंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हमने कोरोना काल खंड में जहाँ बैंक की पहुंच से दूर था वहां पे किया गया था, लेकिन उसमें आप लोगों का तो आप लोग क्या सरकार से अपेक्षा रखते हैं? सर यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं मिल रही हैं वो शहरी क्षेत्र की महिलाओं को भी मिले। और आप लोग गठन करिए जरूर सरकार इस पे ध्यान देगी। ठीक है सर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। संवाद के इस कार्यक्रम के उपरांत नारी सशक्तिकरण पर आधारित शक्ति वंदन अभियान से प्रेरित वीडियो की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख। ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाएं परिवार के हालात सुधार भी रही हैं और साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति दे रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप आज हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रही हैं नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की बेटियां। डबल इंजन की सरकार ने माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा, उनके सम्मान और स्वावलंबन के लिए बनाया है सकारात्मक वातावरण, हर क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध कराने का दिया है भरोसा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली बहनों के स्वावलंबन को मिली प्राथमिकता। मिशन मोड में उठाए गए कदमों ने वो कर दिखाया जो दशकों से था सिर्फ सपना। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रिकॉर्ड स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराकर ग्रामीण महिलाओं के सपनों को दी नई उड़ान। बीसी सखी कार्यक्रम से आत्मनिर्भर हुई गांवों में रहने वाली माताएं, बहनें, सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में बीसी सखी की नियुक्ति से ग्रामीण क्षेत्रों में मिला बैंकिंग सेवाओं को विस्तार। मिशन शक्ति ने माताओं बहनों को बनाया है अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाने में सक्षम, साथ ही वह अन्य महिलाओं के लिए भी बनकर उभरी है प्रेरणा स्रोत। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अलग अलग जनपदों में ग्राम पंचायत स्तर पर किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, बीसी सखी की भूमिका किस रूप में प्रभावी उत्तर प्रदेश में रही है कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। आज वे बीसी सखी बनकर के, बैंकिंग क्रॉस बॉर्डर सखी बनकर के गांवों में बैंक की कमी को पूरा कर रहे हैं। समूह सखियां, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, स्वास्थ्य सखी, आजीविका सखी, नमो ड्रोन सखी सहित पोषाहार निर्माण और राशन की दुकानों के संचालन में उपयोगी भूमिका निभाकर बड़ी संख्या में महिलाओं को मिला है प्रत्यक्ष रोजगार। सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एसएचजी सदस्यों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन और निराश्रित पेंशन से किया गया है लाभान्वित। महिला सशक्तिकरण की इसी श्रृंखला में आज नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 3,617 स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों को 54 करोड़ रुपए से अधिक का चेक वितरण एवं जनपद गोरखपुर में संचालित स्वयं सहायता समूह और एनजीओ की महिला सदस्यों का किया जा रहा है सम्मान एवं संवाद। जीवन में हर कदम पर माताओं, बहनों और बेटियों के साथ खड़ी है डबल इंजन की सरकार, आज महिलाएं हर क्षेत्र में। इन्होंने तो गोरखपुर में, आप सीएम योगी को सुन रहे थे किस तरह से जो वहां पर महिलाएं स्वरोजगार कर रही हैं और किस तरह से सरकार की तरफ से उन्हें मदद मिली है, इन सब बातों की जानकारी मुख्यमंत्री लेते हुए कि किस तरह से कोई महिला दुग्ध उत्पादन में जुटी हुई है, कोई अचार पापड़ बनाने के कारोबार से जुड़ी हुई है और
महिलाओं के सुदृढ़ होने की, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की बात जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कही कि आप अगर सुदृढ़ होंगी तो परिवार सुदृढ़ होगा, इसी बात को मुख्यमंत्री कहते हुए एक एक महिलाओं से वहां पर जानकारी ली, सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इस बात का जिक्र भी मुख्यमंत्री ने किया है। और अब एक तरह से कह लीजिए जो महिलाएं रोजगार स्वयं रोजगार कर रही हैं उनको एक तरह से प्रशस्ति पत्र बांटते हुए देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे, सांसद रवि किशन को भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। गोरखपुर में आज हमने देखा कि पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज गए हैं, वहां पर मुख्यमंत्री ने कई अहम बातें की हैं। गोरखपुर में जिस तरह से बीआरडी मेडिकल कॉलेज खासतौर पर इंसेफ्लाइटिस को लेकर प्रकोप झेल रहा था उसके बाद उसका जिक्र आज मुख्यमंत्री ने किया। अब नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, यहां पर जो महिलाएं इस वक्त स्वरोजगार कर रही हैं उनसे जानकारी ली है, सरकारी योजनाओं का लाभ किस तरह से जो महिलाएं हैं उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, सरकार की तरफ से जो ऋण दिए जा रहे हैं उसका लाभ वो उठा रही हैं कि नहीं उठा रही हैं, जो रोजगार कर रही हैं उसमें कितना मुनाफा होता है परिवार के लिए और बाकी महिलाओं को भी, एक महिला अगर कोई रोजगार शुरू करती है तो बाकी महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, इन सब बातों को की जानकारी मुख्यमंत्री ने ली है। बातचीत करने के लिए रामगोपाल इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, हमने देखा योगी सरकार खास तौर पर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लेकर आगे बढ़ रही है और नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का उद्देश्य भी यही है, और जो बात वो नारी जो वहां पर महिलाएं आई हुई थी उनसे भी वही पूछा कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और आप जब आप खुद आय कमा रही हैं तो कितना लाभ उससे हो रहा है। तो ये सारी बातें मुख्यमंत्री आज इस नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में महिलाओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कही है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि जो महिलाएं हैं वो अभियान के अंतर्गत शक्ति सम्मान समारोह के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, मान्य विधायकगण श्री राजेश त्रिपाठी जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, जनपद भर से आए हुए महिला स्वयंसेवी समूह और एनजीओ से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, प्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, मान्य विधायकगण श्री राजेश त्रिपाठी जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, जनपद भर से आए हुए महिला स्वयंसेवी समूह और एनजीओ से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहन और भाइयों, आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी कुछ ही देर पहले मैंने यहां पर अलग अलग महिला स्वयंसेवी समूह और एनजीओ से जुड़ी हुई नारी शक्ति के साथ एक संवाद बना करके उनके द्वारा नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किए गए हैं या किए जा रहे हैं उनको बहुत नजदीक के साथ जानने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है कि नारी को सुरक्षा मिले, उन्हें सम्मान मिले और वे अपने पैरों पर
खड़ा होकर के स्वावलंबन का जीवन जी सकें। गोरखपुर की महिला स्वयंसेवी समूह और एनजीओ के माध्यम से इस अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए आज नारी बंधन, जो शक्ति बंधन अभियान है, इस शक्ति बंधन अभियान के अंतर्गत शक्ति सम्मान समारोह में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आपने देखा होगा पिछले लोकसभा सत्र में, यानी इस बजट सेशन के पहले जो सेशन चला था, उसमें भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई संसद में पहला अधिनियम पारित किया, वह पारित किया था नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इसके अंतर्गत देश की विधानसभा, देश की संसद और प्रदेशों की विधानसभाओं में परिसीमन के बाद महिलाओं को 33% सीटें उनके लिए आरक्षित होंगी। पहली बार संसद और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिलने जा रहा है। यानी जो प्रतिनिधित्व अब तक होता नहीं था, बहुत कम नारी संसद में या विधानसभा में पहुंच पाती थी। अब किसी के चाहने और न चाहने से नहीं होगा, बल्कि 33% से अधिक सीटें महिलाओं के लिए वहां आरक्षित रहेंगी। वे वहां पर जाएंगी और वहां पर उस सीट पर केवल वही लड़ भी पाएंगे। मोदी जी ने आने के बाद 2014 के बाद से जो कार्यक्रम प्रारंभ किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, मातृवंदना योजना के माध्यम से, या फिर जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का केंद्र बिंदु बिना भेदभाव के महिलाएं हैं, किसान है, नौजवान है, गरीब है, कैसे उसका लाभ दिया जा सकता है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीण में अकेले गोरखपुर जिले के अंदर 61,556 लोग लाभान्वित हुए हैं। आप सोचो, जिस परिवार के पास अपना स्वयं का घर नहीं है, क्या बीतती होगी इस परिवार में। और महिलाएं खासतौर से सबसे ज्यादा सफरर कोई होता है, सबसे ज्यादा पीड़ित होता है, महिला होती है। मुख्यमंत्री आवास योजना में भी आवंटित जो आवास हैं, वह 38,866 आवास अकेले गोरखपुर जिले को प्राप्त हुए। इसी प्रकार से 3,880 आवास मुख्यमंत्री आवास योजना में स्वीकृत हुए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कुल गठित जो स्वयं सहायता समूहों की संख्या, वो 20,847 है, और इसमें कुछ महिलाओं की संख्या जो जुड़ी हुई है, ये 3,05,000 से अधिक महिलाएं इसके साथ सीधे सीधे जुड़ी हुई है। जो निराश्रित महिला पेंशन प्राप्त करती हैं गोरखपुर में 63,563, वृद्धावस्था पेंशन से लाभान्वित महिलाएं 54,062, और दिव्यांगजन पेंशन से लाभान्वित होने वाली महिलाएं 6,094। पीएम किसान यानी किसान सम्मान निधि में मुझे बहुत अच्छा लगा कि गोरखपुर के अंदर 1,05,300 से अधिक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हैं, और उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत 2,91,000 से अधिक महिलाएं सीधे सीधे गोरखपुर जिले के अंदर इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। महिला स्वयंसेवी समूह 56 फेयर प्राइस शॉप यानी राशन कोटे की दुकान का संचालन कर रही हैं, और इसमें 438 महिलाएं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है। अब आप देख सकते हैं, यानी पहले महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, तो अगर वे घर से बाहर नहीं निकलती
तो महिला स्वयं सेवी समूह के साथ नहीं जुड़ पाती, समूह नहीं बना पाती, एनजीओ के साथ मिलकर काम नहीं कर पाती, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता। आज तो उज्ज्वला योजना का भी लाभ मिल रहा है, आयुष्मान भारत का भी लाभ मिल रहा है, पीएम स्वामित्व योजना में मालिकानाधिकार महिलाओं को प्राप्त होना है। इसके अलावा और भी तमाम योजनाएं हैं। प्रदेश सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने एक कार्यक्रम और प्रारंभ किया, वह है प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। अप्रैल से हम उस राशि को 25,000 रुपए करने जा रहे हैं। कोई बेटी जन्म लेगी, बेटी के जन्म लेने से लेकर स्नातक तक के पैकेज की व्यवस्था हम करते हैं। अभी तक 17,00,000 से अधिक बेटियों को इस योजना से हम जोड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, 3,00,000 से अधिक बेटियों की शादी इससे अब तक संपन्न हो चुकी है। यानी एक एक योजना को जोड़ने का काम पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत 90,00,000 महिलाओं को जहां पे घर है वहीं पर उनका जमीन का मालिकाना अधिकार उन्हें उपलब्ध करवाना, यह कार्यक्रम भी हो रहा है। और टेक होम राशन में हर विकास खंड में प्लांट लगा करके पोषण अभियान के माध्यम से अच्छा आहार महिला स्वयंसेवी समूह स्वयं तैयार करके वितरित करेगी, मुनाफा भी अपना कमाएगी। यह भी है वीसी सखी, बैंकिंग क्रॉस्पोंडेंट सखी, बैंक की कमी को दूर भी कर रही है और गांव की एक बेटी या गांव की एक बहू को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित भी कर रही है। स्नातक की शिक्षा बालिकाओं के लिए फ्री है, उसके बाद भी भेदभाव हो इसको हमें किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करना चाहिए। और आज जब हम लोग यहां पर एकत्र हुए हैं, यह नारी वंदन अभियान के अंतर्गत शक्ति सम्मान का जो समारोह है, यह समारोह इसी बात को प्रदर्शित करता है कि कार्य हुआ है तो हम उसको बोले और उसको बोल करके अन्य लोग जो अब तक इससे लाभान्वित हुए उनको भी लाभान्वित करने का प्रयास करें और जो लोग लाभान्वित हो चुके हैं वो बोले, जिससे सरकार को भी ये पता लगना चाहिए और पब्लिक को भी पता लगना चाहिए कि सरकार की ये योजनाएं चल रही थी, योजनाओं का लाभ इस रूप में लोगों ने प्राप्त किया है। ये नया भारत है और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हम सबकी क्या भूमिका होनी है, इसके पीछे का उद्देश्य की है। आजादी का यह अमृत काल है, पहला वर्ष है आजादी के अमृत काल का, प्रथम वर्ष। अगले 25 वर्ष के अंदर जब 2047 में यह देश अपनी आजादी के 100वां वर्ष मना रहा होगा, शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब कैसा भारत हमें चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक विकसित भारत का सपना साकार हो सके इसके लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना होगा। वह किसान खुशहाल हो और आत्मनिर्भर भी हो, नौजवान के हाथों को काम मिले, वह नए तरीके से सोच उसके आगे बढ़ सके, आधी आबादी अपने को उपेक्षित महसूस न कर सके बल्कि वह भी सुरक्षित रह सके, सम्मान प्राप्त कर सके और स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ सके, इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अभियान है। और उस महत्वपूर्ण अभियान के अंतर्गत अगर एक महिला आत्मनिर्भर होती है, सशक्त होती है, तो परिवार स्वतः ही आत्मनिर्भर सशक्त हो जाता है। परिवार आत्मनिर्भर और सशक्त होता है तो सोसाइटी पर इसका असर पड़ता है, सोसाइटी सशक्त और सम्मानित होती है। सोसाइटी अगर सशक्त है तो देश की समृद्धि और उसकी प्रगति को कोई ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि अब महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है।
और यह कार्यक्रम उसी से जुड़ा हुआ है कि 2047 में जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तब हमें एक विकसित भारत चाहिए और विकसित भारत का रास्ता जाता है आप लोगों के बीच से। आधी आबादी विकास करेगी तो देश विकास की बुलंदियों को चूमेगा, अनंत काल तक इसका संरक्षण करेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा होगी। और नारी जो शक्ति बंधन अभियान है और शक्ति सम्मान का जो कार्यक्रम है, यह 2047 के एक बड़े विजन के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए अभियान का हिस्सा है। इस अवसर पर आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सरकार के स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, सरकार उसमें अपना भरपूर योगदान देगी। आज का एक कार्यक्रम के लिए महानगर अध्यक्ष को, अन्य पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैंने यहां पर जिस भी महिला स्वयंसेवी समूह या एनजीओ से बातचीत किया, उनका कॉन्फिडेंस का लेवल इस बात को बताता है कि वे अपनी सफलता में उनको कोई संदेह नहीं है। जब होमवर्क होता है व्यक्ति ऐसे ही मजबूती के साथ अपनी बात को रखता है और हमें इस दिशा में प्रयास करना होगा। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, आधी आबादी को विकसित करके कोई सरकार विकास की बुलंदियों को नहीं चूम सकता है। और आपको मैं प्रदेश सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि आपके हितों के लिए कार्य करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ करेगी, आप सबके हितों के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। आज के इस अभियान के लिए मैं एक बार फिर से महानगर इकाई को और सभी महिला स्वयंसेवी समूह और एनजीओ को इस कार्यक्रम में भागीदार बनने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि शासन की योजना को जन जन तक पहुंचाने में आप सबका अभिष्ट योगदान सदैव प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। गोरखपुर से सीएम योगी को आप सुन रहे थे। महिलाओं का अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि महिलाओं को सुदृढ़ करना है और कई योजनाएं हैं जो सरकार चला रही है और आज हर योजना का लाभ महिलाएं ले रही है, हर काम में महिलाएं आगे आ रही हैं, खुद से स्वरोजगार।